हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम लोग जानने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो जब भी छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है इस टॉपिक की, कि बच्चों को हम पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे जगाएं। तो जब मेरे चीकू की बारी आई तो स्टार्टिंग में जो छोटा था तो मैंने उसे कुछ बुक्स दिए जो मैं अभी आपको बताऊँगी, जिससे कि उसका इंटरेस्ट लेवल स्टडीज़ में बहुत अधिक हो गया। मतलब खेलना, टीवी देखना, मोबाइल देखना उसने बिल्कुल ही बंद कर दिया और हमेशा कि मुझे पढ़ा दो, उसका इंटरेस्ट बहुत अधिक इसमें हो गया। तो पेरेंट्स के सामने ये होता है कि जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं स्टडीज़ में। हमें कुछ ज़रूरत होती है टिप्स की, कुछ ट्रिक्स लगाएं कि कैसे जो है बच्चों की पढ़ाई थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए। तो मैंने जो चीकू की पढ़ाई स्टार्ट की थी वो एक्चुअली सबसे पहले इस तरह का बुक, जब वो 7-8 मंथ का था तो उसके पापा ये बुक ले आए थे। आप लोग देख सकते हैं, सब बच्चों के पास ये बुक अवेलेबल होती है इस तरह की। तो जब वो आया था ना, तो मैं क्या करती थी, बस क्योंकि 7-8 मंथ का ही था चीकू, बहुत ही अधिक अच्छे फ्लुएंटली से वो बोल नहीं पाता था, लेकिन चीज़ों की समझ उसे थी, तो मैं बस ऐसे बुक को खोलती थी उसके सामने। लेकिन मैंने ये रूटीन बना लिया था कि डेली मैं कम से कम 10 मिनट के लिए भी एटलीस्ट उसके सामने ये बुक लेकर बैठती ही थी। और अक्सर मैं ऐसा कब करती थी, जब वो सो के उठता था, उसने खाना खा लिया होता था, दोपहर का लंच कर लिया होता था, तो उस टाइम में मैं चीकू को लेकर बैठती थी, क्योंकि उसका पेट भी फुल होता था और सो के उठा होता था तो उसका मूड भी फ्रेश रहता था। उस टाइम मैं उसको लेके बैठती थी और मतलब जो भी वो समझता था, ये नहीं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे नहीं, जिस भी लैंग्वेज में वो, जैसे खाखा बोलता था सेब को, खाखा बोलते हैं ना अक्सर बच्चे, या फिर बॉल पहचानता था, बिल्ली को माओ बोलता था, तो इसी तरह से जो वो करता है, बेसिकली मुझे बस ये था कि मैं उसको समझाऊं कि ये क्या है। तो सबसे पहले मैंने इसी बुक से उसकी पढ़ाई, जो है पढ़ाई कह ले या फिर इंट्रोड्यूस कराना, वो इसी से किया था, क्योंकि चीकू के पापा ये लेकर के आ गए थे तो मैंने इसी से किया था। उसके बाद जो है मैंने चीकू को कुछ इस तरह की बुक्स जो हैं, आप लोग देख सकते होंगे, अधिकतर बच्चे इस तरह की बुक्स करते हैं, फ्रूट्स में, ये वेजिटेबल्स का है इसका, चीकू के पास फ्रूट्स, बर्ड्स सब है, एनिमल्स का भी है, तो इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स हैं और ये पूरा उसको अब याद हो चुका है लगभग, और अभी वो 3 ईयर्स का हो चुका है, अभी उसको पूरे वेजिटेबल्स के नेम जो है वो फ्लुएंटली याद हो चुके हैं, बस पिक्चर देखने पे वो बता देता है। ये था, शुरू में उसे पूरा नहीं पता था, बस वो सब्जियों को, कुछ एक सब्जियों को जैसे आलू हुआ, कद्दू, बैंगन, इन सबको पहचान पाता था, लेकिन अब उसे ये पूरा याद है। तो आप इस तरह की भी बुक्स ले सकते हैं। इसके बाद कुछ अल्फाबेट्स वाली ये बॉक्स जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, इससे भी चीकू को खेलना बहुत अच्छा लगता था। इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे W है, इसमें पीछे में मैग्नेट लगा होता है अल्फाबेट में, और मतलब ABCD और फिर इसमें 1 to 10 सारे वो होते हैं नंबर्स प्लस अल्फाबेट्स होते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा तरीका होता है ये। मतलब मेरा जो गेट है वो पूरा लोहा का है, और जैसे फ्रीज है, तो जब फ्रीज ऑफ रहा तो चीकू बैठ करके उस पर चिपका के, या फिर गोदरेज पे, अलमीरा पे चिपका के बच्चे इससे बहुत ही अच्छे से खेल पाते हैं। और इनसे क्या होता है ना कि उनके हैंड के जो पावर्स होते हैं वो भी इनबिल्ड होते हैं, तो इसके लिए हमें इस तरह का जो बॉक्स है वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, इससे भी बच्चों को बहुत अधिक हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है, मैंने इस तरह के कुछ कार्ड्स का जो चार्ट होते हैं वो, ये तो मैं कहूँगी कि बहुत ही हेल्पफुल है, हर एक पेरेंट्स को ऐसे चार्ट रखने ही चाहिए। तो मैंने ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये तो बॉडी पार्ट्स का है, तो बाकी भी कहीं रखे होंगे, चीकू को मैं अक्सर करवाती हूँ, तो बॉडी पार्ट्स चीकू सीख नहीं पाता था जल्दी जल्दी, तो मैंने इसी से, अब उसे जितना भी इसमें है ना वो पूरा फ्लुएंटली आपको बता देगा। और मुझे 5-6 दिन लगे थे, मैंने 5-6 दिन लगातार उसको प्रैक्टिस करवाया, सिर्फ ये कि चीकू देखो ये हेयर है, तुम्हारे हेयर यहाँ है, ये हेड है, तुम्हारा हेड यहाँ है, ये आई है, तुम्हारा आई यहाँ है, मम्मा का आई टच करो, ऐसे कर करके मैंने चीकू को ये पूरा ही याद करवा दिया। तो बहुत ही इजी मैनर में, आई थिंक मैंने बस 5 मिनट डेली 5-6 दिन तक इसको दिया और ये बिल्कुल चीकू को लर्न हो गया। तो आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिए, फ्रूट्स में, वेजिटेबल, ये बहुत ही इजीली मिल जाता है
और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये, 10 से 15 रुपए में आपको मिल जाता है, किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि आप इस तरह से, ये तो चीकू का क्लास मॉनिटर का किट जो मैंने ऑर्डर किया था फ्रेंड्स, इफ पॉसिबल तो आप कोई भी एक जो है किट बच्चों के लिए ऑर्डर कर लीजिए। मैंने क्लास मॉनिटर से भी किया हुआ है, फ्लिपकार्ट से भी मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगी। क्लास मॉनिटर का तो मेरा एक रिव्यू भी है ओपनिंग का, तो आप उसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और कैसे लेना है वो अभी आप अगर कमेंट सेक्शन में पूछे तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी, तो आप वहां जाकर के जरूर देख लीजिए। तो ये तो है ओल्ड मैकडोनाल्ड हैट ऑफ फार्म, तो इसमें मैंने चीकू को सिखाया था, ये पोएम तो सिखाई मैंने पूरा, उसे लगभग नहीं याद हुआ है अभी क्योंकि थोड़ा लेंदी है ना, लेकिन फिर भी वो एक पैरा बहुत अच्छे से बोल देता है। इसमें मैंने फार्म एनिमल्स उसको पूरा सिखा दिया, इसमें आप लोग देख रहे होंगे ना कितने सारे फार्म एनिमल्स हैं, तो इस तरह के चार्ट का आप यूज कीजिए। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ जैसे पोएम है तो पोएम ही सिखाएं, जैसे मैंने ये लेंदी पोएम है थोड़ा सा उसे पोएम भी सिखा दिया, और इसमें जो फार्म एनिमल्स होते हैं उसका भी मैंने उसे बता दिया, तो डोमेस्टिक एनिमल भी वो सीख गया है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए फार्म एनिमल्स का कुछ दिया हुआ है, ये दोनों मुझे क्लास मॉनिटर में ही मिला था, और बहुत ही अच्छा किट है क्लास मॉनिटर का, बहुत ही चीप एंड बेस्ट है, मतलब सस्ते में आपको इतना अच्छा किट मिलता है पूरे होल ईयर के लिए। आई डोंट थिंक कि कोई और किट इसके कैपेबल होगा, हो सकता है, बट मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छा लगा है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ आप आइडियाज ले सकते हैं फ्लैश कार्ड से, तो ये तो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं जो ये फ्लैश कार्ड होते हैं। ये भी मैंने अभी, मेरे पास पहले से भी बहुत सारा था, और ये तो इसी का है, क्लास मॉनिटर का है। तो क्लास मॉनिटर में एक चीज बहुत अच्छी है कि ये लोग ना क्यूआर कोड दिए हुए रहते हैं यहाँ पे, तो आप इस क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन कीजिएगा ना, तो आपको मतलब 3D इमेज मिलेगा, किसी में पोएम आ जाएगा, किसी में कुछ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों को पढ़ाना। वैसे भी जब डिजिटली आप पढ़ाइए ना टेक्नोलॉजी को यूज करके, तो बच्चे थोड़ा ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप इस तरह के फ्लैश कार्ड का यूज जरूर ही कीजिए छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि ये उनके ब्रेन पावर को बहुत बूस्ट करता है। आप देख सकते होंगे यहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, सारे अभी मिक्स एंड मैच हो गए हैं, और इसको ना अरेंज करना भी बहुत इजी है क्योंकि इसमें ये कलर कोड होता है, आप कलर के अनुसार कर सकते हैं, बट अभी क्योंकि चीकू पढ़ रहा था तो पूरा मिक्स एंड मैच है, उसे इससे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। देखते हैं आप, नंबरिंग भी है, सब कुछ है इसमें, बहुत ही अच्छा सा है ये। मैंने जब से क्लास मॉनिटर ऑर्डर किया ना किट, तब से कुछ अलग से मंगाने की उतनी अधिक जरूरत नहीं पड़ती है मुझे, क्योंकि उसमें लगभग जो भी नीड है ना पढ़ाई की सब कुछ दिया हुआ है, तो बहुत ही कम चीजें मैं बाहर से मंगाती हूँ स्टडी के लिए। यहाँ आप देख सकते होंगे ये संडे मंडे कम कलर्स भी है, इससे आप कलर्स भी पढ़ा सकते हैं, और वो भी तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चीकू को ये पूरा संडे मंडे जो है बिल्कुल याद हो चुका है, तो इसमें आप देख सकते हैं ना, मैं शुरू में उसको कहती थी कि जो जैसे ब्राउन वाला मंडे है उस पे जाओ, या जैसे ट्यूसडे है येलो कलर का ट्यूसडे उस पे जाओ, तो सब क्योंकि कलर का नॉलेज पहले से हो चुका था, मुझे उसे संडे मंडे सिखाना, तो मैंने इसे अरेंज करके रख दिया कि संडे मंडे ऐसे, और मैं उसे जंप करने बोलती थी, या फिर बोलती थी कि जा उठा के लाओ मेरे पास जो ब्राउन वाला मंडे है वो उठा के लाओ, या फिर जो येलो ट्यूसडे है वो उठा के लाओ, ग्रीन वेडनेसडे है वो तुम पिक करके लाओ। तो मतलब चीकू बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसको करता था। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक जगह पे बैठ के पढ़ाना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें खेल कूद में, दौड़ने में, जंपिंग, ये सभी चीज़ें इंक्लूड करते हैं ना, तो टीचिंग बहुत ही जो है ईजी भी हो जाती है और इंटरेस्टिंग होती है। और ये तो मैंने जो आपको एक्टिविटी बताई वो मेरे एक वीडियो में भी है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप जरूर वॉच कीजिएगा उसको। तो बहुत ही इजी वे में मैं तो इसको जैसे सब्जियां काट रही हूँ मैंने डाल दी, और मैं बस मुंह से बोलती रहती थी चीकू ये एक्टिविटी कर लेता, तो बहुत ही ये हेल्पफुल है। इसके साथ ही आप तो जो मस्ट है हर एक बच्चे के लिए वो है ये स्टोरी बुक है, वो ये है 151 बेड टाइम स्टोरीज, तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाई है, मुझे पार्सल में पूरा भींगा हुआ सा मिला, उसमें बहुत सारी 151 स्टोरीज है जो इंग्लिश में, ये हिंदी मीडियम में भी आपको मिल जाएगी, और पिक्चर क्वालिटी वगैरह सब कुछ। तो मैं चीकू के लिए इस तरह की स्टोरी बुक्स लेती हूँ, और चीकू की फेवरेट है ये लालची कुत्ता वाली, मैंने ये भी फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर की हुई है, एक इंग्लिश में ऑर्डर की है और एक हिंदी में,
आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी सी पिक्चर क्वालिटी दी हुई है। तो बच्चे को जब आप पढ़ाइएगा तो पूरा जो है ना बच्चा स्टोरी अच्छे से लर्न कर लेता है, बिल्कुल याद ही कर लेता है। ये आप लोग देख रहे होंगे और पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और पेज की जो क्वालिटी है ना बुक की वो भी बहुत ही बेहतरीन है। और आई थिंक ये मुझे 300 के अंदर ही पड़ी थी। इसमें टोटल 10 बुक के लगभग हैं और पूरा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे प्यासा कौवा करके है, इसमें सभी बच्चों ने आई थिंक पढ़ा ही होगा, जिसमें एक कौवा रहता है प्यासा और उड़ते उड़ते एक गार्डन में जाता है, वहाँ वो बेर खा लेता है बहुत ज़्यादा और उसकी प्यास और बढ़ जाती है। फिर उसे एक घड़ा दिखता है, उसमें वो कंकर डालता है और पानी जो है ऊपर आता है और कौवे की प्यास बुझ जाती है उस पानी को पी के। तो ऐसे मतलब जो बुद्धिमानी से कौवा अपनी प्यास को बुझाता है, ये स्टोरी हम सबने लगभग पढ़ी ही है। तो इस तरह की स्टोरीज जब आप करते हैं ना तो बच्चों का क्या होता है कि मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, ऊपर से बच्चों का सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। तो इस तरह की बुक्स आप जरूर ही इंक्लूड करें अपने बच्चों की स्टडी किट में और डेली रात में या जब भी बच्चे इंटरेस्टेड हों तो आप इस तरह की बुक्स जरूर उन्हें पढ़ करके सुनाएं। इससे क्या होता है बच्चों का जो वर्ड पावर है ना वो इन्हेंस होता है और वो करेक्ट स्पीच भी सीखते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार होते हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल में सेंटेंस को गलत बोलना सीख लेते हैं, का को की या कुछ और बोलने लगते हैं। जब आप स्टोरीज पढ़ के उन्हें सुनाते हैं तो उन्हें जो है स्पीच का करेक्ट यूज समझ में आ जाता है। तो आप इसको जरूर ही ऐड कीजिए अपने स्टडी में। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको कुछ TLM ही कह लीजिए इनको, कि टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स हैं ये, के बारे में बताया है। तो आई जस्ट होप कि आप जरूर इन सबको इंक्लूड करें और साथ में मैं एक शॉर्ट वीडियो भी कहीं पे ऐड कर दूंगी, इंसर्ट कर दूंगी बीच में। जो इंग्लिश की बुक का है वो मुझे भी मिल नहीं रहा था तो मैंने उसका अभी वीडियो नहीं डाला है। तो आप लोग इस तरह से जरूर करें, जिससे कि क्या होगा कि आपका बच्चा बहुत ही अधिक इंटरेस्ट लेगा। और इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोज में बताया है कि किस तरह आप जो है बच्चों को पेंटिंग के थ्रू इंटरेस्ट ला सकते हैं, तो बच्चे उससे बहुत अधिक इंटरेस्ट लेते हैं। मैंने चीकू के साथ करते हुए एक एक्टिविटी भी डाली थी, तो आप मेरे उस वीडियो में भी चेक कर सकते हैं। हो सकेगा तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई जस्ट होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।